हेलो क्लास मैथमेटिक्स एजीवे में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा आप जानते हैं कि कक्षा आठवीं का हम लोग पहला प्रकरण आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण ये हमारे साइंस का पहला पाठ है आप जानते हैं महाराष्ट्र बोर्ड साइंस पहला चैप्टर इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे तो इसमें देखिए शुरू में आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जैसे पहला प्रश्न पूछा है सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है और ये क्वेश्चन जो है वो आपको साइड में देखो लिखा गया है थोड़ा याद करो थोड़ा याद करो मतलब ये आपको पिछली कक्षा में आपने इसको पढ़ चुके हैं तो उसी को आपको पुनरावर्तन करने के लिए आपसे ये कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि आपको कुछ याद है या नहीं तो जैसा आपने पहले पाठ में पढ़ा था कि सजीवों का जो वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है वो उसे पाँच भागों में बाँटा गया है जगत संघ वर्ग कुल वंश तथा जाति इन पदानुक्रमों में उसे क्या किया गया है विभाजित किया गया है दूसरा प्रश्न पूछा गया सजीवों को पहचानने की जो द्वि नाम पद्धति उपयोग में लाई जाती थी उसकी खोज किसने की थी तो अगर आप पहले आपको याद होगा तो पहले पार्ट में आपने पढ़ा था जब ये आपने जगत के बारे में मतलब वर्गीकरण के जो पदानुक्रम हैं उसके नीचे ही आपको दिया गया था कि जो द्वि नाम पद्धति है इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कार्लिनियस याद रखिए कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है द्वि नाम पद्धति की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे तो उसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे कारलिनियस ओके तीसरा जो प्रश्न पूछा है द्वि नाम पद्धति से नाम लिखते समय कौन से पदानुक्रम का विचार किया जाता है यानी कि जब वो कार्लिनियस ने द्वि नाम पद्धति को उपयोग में लाया था तो उन्होंने कौन से पदानुक्रमों को ध्यान में विचार किया था तो जाहिर सी बात है उसका नाम क्या पड़ा है द्वी नाम द्वी नाम मतलब उन्होंने दो पद पे उन्होंने क्या किया था विचार किया था कौन से दो पद थे तो एक था वंश और एक जाति वहाँ आपको एक देखो उदाहरण दिया गया था कबीर नाम के अगर कई लड़के हैं चार पांच हैं तो अगर आपको क्लास में बुलाना है तो आप क्या करेंगे कबीर तो सिर्फ़ बोलेंगे नहीं क्योंकि कबीर बोलेंगे तो क्या होगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन से कबीर को बुलाया जा रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके सरनेम का उपयोग करेंगे यानी कि नाम और सरनेम तो वैसे यहाँ पे भी सजीवों के वर्गीकरण के लिए जो द्वि पद्धति का उपयोग किया जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया उसे दो भागों में बांटा था और वह दो पद थे एक था वंश और एक थी जाति आगे हम पढ़ेंगे जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता तो जैव विविधता मतलब सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के सजीवों में मतलब एक ही प्रजाति के जो सजीव होते हैं उनमें भी क्या होता है बहुत सारे प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उनके रहने के स्थान उनके खाने का तरीका उनका आकार इन सब में आपको क्या होती है काफ़ी भिन्नता दिखाई देती है इसी को कहा जाता है जैव विविधता और आगे है वर्गीकरण की आवश्यकता तो जैसा आप जानते हैं कि सजीव क्या होता है विभिन्न परिवेश में रहते हैं और वो परिवेश में उनको अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करना पड़ता है अपनी जीवन को बनाए रखने के लिए परिवेश के अनुसार अपने आप में बदलाव करना पड़ता है और ये बदलाव करते करते उनके अंदर क्या होता है रहता है परिवर्तन होते रहता है और ये परिवर्तन क्या करता है उनमें भिन्नता पैदा करता है इसी को कहा जाता है अनुकूलन और इस अनुकूलन के कारण ही क्या हो गया है आज इस सृष्टि पे कई लाखों प्रजातियां क्या हो गई हैं निर्मित हो गई है तो अगर देखा जाए तो 2011 की गणना के अनुसार इस धरती पर लगभग 870 लाख प्रकार के क्या हैं सजीवों की प्रजातियां हैं सिर्फ संख्या नहीं बता रहा हूँ उनकी प्रजातियों मैं बता रहा हूँ इतने प्रकार के क्या हैं सजीव इस सृष्टि पर उपलब्ध है कितने लगभग 870 लाख प्रकार की वह सजीव क्या हैं इस सृष्टि पर उपलब्ध हैं अब इन सभी सजीवों का अध्ययन अगर हमें करना रहेगा तो क्या होगा बहुत ही कठिनाई होगी इतने सारे सजीवों के बारे में कोई भी अध्ययन आसानी से नहीं कर सकता है तो इनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है इनका वर्गीकरण किया गया है कि उसमें क्या समानता है और क्या असमानता है इसके आधार पर उन्हें क्या किया गया है वर्गीकृत किया गया है तो उसके क्या किया गया है? अलग अलग समूह और उप समूह बनाए गए हैं तो सजीवों के समूह और उप समूह बनाने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जैविक वर्गीकरण तो जो उस सजीव का हम लोग क्या करते हैं वर्गीकरण का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम उसके क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के समूह बनाते हैं उसकी समानता के आधार पर उसकी असमानता के आधार पर विभिन्न समूह और उपसमूह बनाते हैं तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है जैविक वर्गीकरण तो इसमें योगदान देने वाले जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हॉर्डिंग विहाटकर उन्नीस सौ यानी कि जन्म उनका उन्नीस में हुआ था और उनकी मृत्यु उन्नीस में हुई थी ये अमरीकन परिस्थिति तज्ञ थे हो चुके थे इन्होंने उन्नीस में सजियों को पांच समूहों में क्या किया विभाजित किया यानी कि उन्हें क्या किया सजियों को क्या किया पांच संघों में उन्होंने बांटा और वो पांच संघ कौन से हम आगे नीचे पढ़ेंगे तो वर्गीकरण के विहाटकर ने आगे मापदंडों का विचार में लिया यानी कि जब वो अपना वर्गीकरण कर रहे थे जब उन्होंने पांच समूहों में बाँटा तो पांच समूहों में बांटते समय उन्होंने क्या किया होगा कुछ मापदंड रखा होगा तो वे मापदंड क्या थे वो आगे आपको दिया गया है तो सबसे पहला उनका मापदंड था कोशिका की जटिलता तो उसमें कोशिका की जटिलता मतलब आपको बताया गया है जैसे दो बताया गया दो प्रकार की होती हैं एक होती है आदि केंद्र की और एक होती है दृश्य केंद्र की आदि केंद्र की कोशिका मतलब क्या होता है जिसमें केंद्रक क्या होता है स्पष्ट रूप से यानी कि उसके अंग जो होते हैं उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता तो वो कैसे होते हैं एकदम आपको कोई आवरण नहीं होता और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते तो ऐसे कोशिका को बोला जाता है आदि केंद्र की यानी कि जिसमें केंद्रक क्या हो स्पष्ट रूप से दिखाई ना देता हो तो वह होता है आदि केंद्र की और जिसमें केंद्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है दृश्य केंद्र की यानी कि जो कोशिका होती है क्या होती है दो प्रकार की होती है तो सजीव भी अगर देखा जाए तो उसे दो भागों में बांटा गया है एक क्या होते हैं आदि केंद्र की जिसमें यानी कि केंद्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है और एक दृश्य केंद्र की यानी कि जिसमें केंद्र क्या होता है जिन सजीवों के कोशिकाओं के केंद्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दृश्य केंद्र की Osionfish. तो उन्होंने जो पहला आधार माना वो किसको माना कोशिका की जटिलता यानी कि उन्होंने देखा कि किसी किसी कोशिका के केंद्र में क्या होता आवरण नहीं पाया जा रहा है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि वह आदि केंद्र की हो गया और जिसमें केंद्र के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसे क्या कहा दृश्य केंद्र की तो इस तरह से कोशिका की जटिलता के आधार पर उन्होंने क्या किया उसको वर्गी किया फिर सेकेंड पॉइंट उन्होंने सजीवों के प्रकार अब जैसे सजीव क्या होते हैं कि कोई सजीव एक कोशी होते हैं तो कोई क्या होते हैं अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं यानी कि एक कोशी सजीव और बहु कोशी इसे दो और भागों में बांटा यानी कि सजीवों के प्रकार में एक कोसी और बहु और कोशी इस आधार पर उन्होंने क्या किया दूसरा पॉइंट लिया तीसरा उन्होंने बोला पोषण का प्रकार अब देखो सभी लोग भोजन एक प्रकार से नहीं करते हैं जैसे वनस्पतियाँ वनस्पतियाँ क्या हैं स्वयं पोषी होती है क्योंकि उनमें हरित लवक होता है तो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है स्वयं पोषी लेकिन हम जो हैं हम प्राणी जो हैं हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या नहीं तो इसलिए हम लोग क्या हो गए परपोषी तो एक होती है स्वयं पोषी एक होती है परपोषी और एक होती है कवक जो मृत अवशेष को अपना भोजन बनाती है यानी कि जो सजीव मर जाते हैं उन पे वो अपना भोजन प्राप्त करके क्या करती हैं अपने जीवन यापन करती हैं तो इस तरह से उसे तीन भागों में बांटा गया है वनस्पति कवक और प्राणी आगे देखिए तो जीवन शैली जीवन शैली यानी कि कुछ क्या होते हैं उत्पादक होते हैं जैसे आपको बताया गया जो वनस्पतियाँ हरित वनस्पतियाँ वो क्या कहलाती हैं उत्पादक कहलाती हैं जो भच्छक दूसरा भाग है भच्छक जिसमें प्राणी आते हैं सभी वो क्या होते हैं उनके वो क्या करते हैं भक्ष्य को ग्रहण करने का, का काम करते हैं तो यानी कि उनकी जीवन शैली कैसे है वो उत्पन्न हो करने का काम करती हैं तो कौन उत्पन्न करने का काम करती हैं वनस्पति तो उन्हें क्या कहा गया उत्पादक कहा गया कुछ क्या होते हैं सिर्फ भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं दूसरे से भोजन ले लेते हैं दूसरे के शरीर पर स्थित होकर के भोजन ग्रहण करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है भत्चक कहा जाता है और तीसरा है विघटक विघटक मतलब क्या होता है जैसे जो सजीव मृत हो गया तो उसके सजीव का क्या होता है विघटन होता है और वो विघटन करने वाले कौन होते हैं कवक तो इनकी जीवन शैली क्या है अलग अलग है एक उत्पन्न होने का काम उत्पन्न करने का काम करती है तो उसमें वनस्पति आ गए जो कुछ लोग क्या होते हैं भच्छक होते हैं मतलब ग्रहण करते हैं दूसरों से भोजन तो भच्छक में आ गए और कुछ होते हैं जो क्या करते हैं विघटन करने का काम करते हैं तो उसमें कवक आता है पांचवा है वंशावली संबंध वंशावली संबंध मतलब कि आदि केंद्रिकी से क्या हुआ धीरे धीरे क्या हो गया वंश आगे बढ़ा मतलब सबसे पहले सृष्टि पे कौन आए थे आदि केंद्र की आए थे जिसमें वो आदि केंद्र की से फिर क्या हुआ दृश्य केंद्र की कोशिकाओं का निर्माण हुआ फिर दृश्य केंद्र की कोशिकाओं से एक कोशी एक कोशी से क्या हुआ बहु कोशी इस प्रकार से क्या हो गया सजीवों का वंश वंश आगे बढ़ता हुआ आया तो ये पाँच मुद्दों को उन्होंने क्या किया आधार माना और इसके आधार पर सजीवों को क्या किया पाँच समूहों में विभाजित किया अब वो विभाजन यहाँ आपको दिया गया है आप देख सकते हैं पहला देखो सजीव जैसे उन्होंने उन्होंने पहले क्या किया उसे दो भागों में बांटा आदि केंद्र की और केंद्र की इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ फिर आदि केंद्र की में एक कोसी प्राणी यानी कि जो पहले आपको सबसे पहले सृष्टि पे सजीव आए थे वो कैसे थे एक कोसी थे क्योंकि उनके सजीव में सिर्फ एक ही कोशिका थी उनके शरीर में एक ही कोशिका थी तो वह जगत क्या होता है मोनेरा मोनेरा जगत क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉरी फिर दृश्य केंद्र की कोशिका को दो भागों में बांटा गया क्योंकि दृश्य केंद्र की कोशिका में एक कोश की प्राणी भी आते हैं और बहु कोश की भी प्राणी आते हैं तो एक कोश की जो होते हैं उन्हें कहा गया है प्रोटिस्टा प्रोटिष्ठा यानी कि आदिजीवी जिसे दूसरी भाषा में कहा जाता है तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना मोनेरा प्रोटिस्टा यही क्या है पांच समूह है पांच जगत है देखो जगत वन लिखा गया है मोनेरा जगत दूसरा जगत क्या है प्रोटिस्टा आगे बहु की मतलब एक कोशिकी में दो लोग आ गए एक हो गया मोनेरा लेकिन मोनेरा में क्या होता है केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता वो आदि केंद्र की कोशिकी होते हैं लेकिन जो प्रतिष्ठा होता है वो भी एक कोश होता है लेकिन उसमें क्या होता है केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है यानी वो दृश्य केंद्र की होते हैं बहु कोशिकियों को क्या किया गया है तीन भागों में बांटा गया है एक होती है वनस्पति एक होती है कवक और एक होता है प्राणी कवक में क्या विशेषता होती है इसमें कोशिका वित्तीय होती है लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं यानी कि इनके कोशिका के ऊपर एक और आवरण होता है दो आवरण होता है एक कोशिका कला होती है और एक कोशिका वित्तीय होती है तो दो आवरण होता है तो लेकिन इसमें क्या होता है भिन्नता क्या है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं आगे है वनस्पति तो वनस्पति में आप जानते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये हरित लवक उपस्थित होने के कारण अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं इसलिए अगला भाग है वनस्पति और प्राणी आप जानते हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है तो इस तरह से पाँच जगत हैं पाँच जगत कौन कौन से हुए मोनेरा जगत प्रतिष्ठा जगत कवक जगत इसके बाद प्राणी वनस्पति ये पांच जगत को क्या तो विराट करने क्या किया पांच समूहों में उन्हें सजीवों को क्या किया वर्गीकृत किया चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग जगत मोनेरा के बारे में सबसे पहला जगत पढ़ने जा रहे हैं अभी हम हमने आपने पढ़ा सजीवों का वर्गीकरण जो विहाटकर की पद्धति के अनुसार उन्हें पांच समूह में बांटा गया है और ये पद्धति आज भी मानी जाती है तो इस पांच समूहों में पहला जगत जो कौन सा है मोनेरा जगत है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इस जगत को पढ़ने से पहले एक कृति दी गई इस कृति में क्या बोला गया है कि किसी साफ कांच पट्टी पर दही छाछ की छोटी सी बूंद लेकर के उस पर थोड़ा पानी डाल करके मिला लो यानी कि आपको क्या किया गया इसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखने के लिए कहा गया तो पहले स्लाइड तैयार करना है स्लाइड कैसे तैयार करना है एक कांच की पट्टी लेना है देखिए और इसके बाद उस पर क्या करना है छाछ या आपके पास दही रहेगा उसका एक छोटा सा बूंद का पानी उस पर क्या करना है गिरा देना है और उस पर थोड़ा सा पानी डाल देना है जिससे वो क्या हो जाए पतला हो जाए और इसके ऊपर फिर कवर स्लिप रख दीजिए और सूक्ष्मदर्शी के नीचे कांच पट्टी के पर निरीक्षण कीजिए तो आपको इस तरह से सूक्ष्मदर्शी दर्शी में क्या करना है देखना है जब आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो आपको क्या दिखाई देगा देखिए ये ऐसा चित्र दिखाई देगा यानी कि बिल्कुल ऐसा आपको छोटे छोटे तीन के जैसा सूक्ष्म जीव दिखाई देता है ऐसा हिलता उल्टा दिखाई देगा जिसका नाम है लेक्टोबेसल्याई जीवाणु यानी कि आप यहाँ से क्या समझे कि दही या छाछ में क्या होता है जीवाणु होता है आप जो पर दही पीते हैं या छाछ पीते हैं इसमें क्या होता है जीवाणु होता है और ये जीवाणु हमारे क्या होता है फायदेमंद होता है क्योंकि तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जीवाणु जो होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं कुछ क्या होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं और इन्हीं जीवाणुओं के माध्यम से आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं तो ये जीवाणु जो दूध सॉरी दही हो गया छाछ हो गया इन सब में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है लेटोबैसलै ले जीवाणु तो ये किस ये कौन से जगत में आता है मोनेरा जगत में यानी कि आप, आपको याद रखना है कि जितने भी जीवाणु हैं वह कौन से जगत में आते हैं मोनेरा जगत में अब इस मोनेरा जगत में सभी प्रकार के जीवाणुओं और नील हरी नीलहरित नील हरी सेवाल आपने देखा होगा कि जब आपको धान की खेती होती है या कहीं कहीं बारिश के मौसम में आप देखते हैं बहुत सारे जगहों पे क्या होता है एकदम हरा हरा भाग दिखाई देने लगता है तो उसे कहा जाता है नीलहरित शैवाली आप चित्र में देख सकते हैं इसके बाद आपको इसकी विशेषताएं क्या है आपको यहाँ पे हमने क्या किया पहले कृति करके देखा कि इसमें क्या होते हैं दूध और सॉरी छाछ और दही में क्या होते हैं जीवाणु पाया जाता है उस जीवाणु का नाम क्या है लेक्टो बैसले जीवाणु ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है अब इस मुनेरा जगत की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में देखते हैं तो ये सभी सजीव एक कोसी होती है जैसे अभी हमने आप वहाँ पे वर्गीकरण करते हुए समय पढ़ा कि एक कोसी सजीव आद ये क्या होते हैं आदि केंद्र की होते हैं और ये कैसे होते हैं एक कोसी होते हैं तो ये आदि केंद्र की कोसी होते हैं और एक कोसी होते हैं ये स्वयं पोसी भी होते हैं और परपोषी स्वयं पोषी में जैसे भी मैंने बताया आपको नील हरित सेवाल क्योंकि उसमें क्या होता है हरित लव पाया जाता है तो वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है तो उसमें आपको क्या हो गया स्वयं पोसी हो गए लेकिन जो बाकी जीवाणु हैं वो क्या होते हैं जैसे अभी आपको लेक्टोबैसलिया ले जीवाणु हो गया या अन्य जीवाणु यहाँ पे आपको जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये सब जीवाणु क्या है आपको परपोषी हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं दूसरों से क्या करते हैं भोजन प्राप्त करते हैं तो ये इसलिए आपको बताया गया है कि जगत मोनेरा में दोनों प्रकार के प्राणी आते हैं स्वयं पोषी भी आते हैं और परपोषी भी आते हैं ये आदि केंद्र की होती है मैंने आपको पहले बताया गया क्योंकि इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता और कोशिका के जो अन्य अंग होते हैं वो भी स्पष्ट रूप से इसमें नहीं होते हैं इसकी वजह से ये इसमें किस में गिने जाते हैं आदि केंद्र की मित्रीय विशेषता हो गई है किसकी मुनेरा जगत की क्या क्या विशेषता है एक तो ये क्या होते हैं स्वयंपोषी या परपोषी होते हैं ये सजीव एक कोशी के होते हैं और आदि केंद्र की होते हैं क्योंकि तो इसमें केंद्रक या अन्य अंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं अब अगर इसके उदाहरण अगर आपको देखा जाए तो आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं कई जीवाणुओं के यहाँ पे नाम और चित्र दिया गया है उसमें आपको दिया स्टैप फायलोका फा, लोकाकस और बोटा बोटियोलिनम सालमोनेला टाइफी वाइब्रियो कोलरी टेप्रोनेमा पॉलीडियम क्लास्टिडियम टिटनी क्लॉस्टेडियम जो होती है खत, खतरनाक होती है तो इस ये आप क्या है जीवाणुओं के उदाहरण दिए गए या आप बोल सकते हैं मोनेरा जगत के क्या है उदाहरण है तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ मोनेरा जगत कंप्लीट हुआ अगला जगत है प्रोटीस्टा अब प्रोटिष्टा जगत को भी पढ़ने से पहले आपको एक कृति दी गई है कृति में यहाँ पे भी आपको क्या किया गया सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या करना है देखना है क्या देखना है देखिए आपको बोला है एक डबरे के पानी की कुछ बूंद काच पट्टी पर रखकर डबरा मतलब जैसे आपको कई दिन से कहीं पानी पड़ा हुआ है कहीं पुराना हो गया तालाब का पानी हो गया या कहीं कभी पानी ले लीजिए जो बहुत पुराना हो गया है ऐसे डबरे के पानी के क्या करना है आपको कुछ बूंद कांच पट्टी पे लेना है और सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर उसका निरीक्षण करना है तो आप क्या देखोगे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब आप रखोगे तो उसमें क्या होगा आपको हलचल करता हुआ क्या होगा जी दिखाई देगा तो ये हलचल करने वाले जो सूक्ष्म जीव रहता है उस सूक्ष्म जीव का नाम है अमीबा तो आप देखेंगे पानी जो आप पीते हैं वो पानी अगर आपको काफ़ी पुराना हो जाता है कई दिनों का रहता है तो अगर उसमें वो रुका हुआ पानी रहता है तो उसमें आपको क्या होता है ये अमीबा पैदा हो जाते हैं या अन्य प्रकार के क्या होते हैं सूक्ष्म जीव आ जाते हैं तो उस जगत को बोला जाता है प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव तो उसमें जैसे आपको बताया गया अमीबा अब ये प्रोटिस्टा जगत की विशेषता क्या होती है प्रोटिस्टा जगत के सजीव जो होते हैं वह एक कोसी होते हैं और कोशिका में युक्त तो केंद्र होता है अभी आपने पढ़ा जगत मोनेरा में भी जो सजीव होते हैं वो कैसे होते हैं एक कोसी और प्रोटिस्टा जगत के भी जो सजीव होते हैं वो एक कोसी होते हैं लेकिन वहाँ पर वो आदि केंद्र की कोशिकी होते हैं और ये क्या होता है धषि केंद्र की कोशिका होते हैं ये प्रचलन हेतु तो कूटपाद या बालक जैसे रोमक या कशिभिकाएँ होती हैं ये चल भी सकते हैं और इनके चलने के लिए क्या होता है इनके पास ऐसा मतलब कूटपाद होता है मतलब जैसे चल संचलन करने के लिए जैसे पैर अपने पास है वैसे उनके पास क्या होता है रोए जैसे टाइप के क्या होते हैं उनमें भाग होता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं चल सकते हैं या आप चित्र में देख सकते हैं ये स्वयं भी होते हैं और परपोसी भी वहाँ पे भी आपको बताया गया है उसमें उस स्वयं होते हैं और यहाँ पे भी आपको बताया स्वयं पोसी और परपोषी दोनों प्रकार के इसमें सजीव पाए जाते हैं अब स्वयं में कौन है ये आपको उदाहरण याद रखना है उगलिना युगलीना सॉरी युगलीना आप देखेंगे तो हर, हरा हरा रंग का होता है जैसे आपको उसको आप देखेंगे तो बहुत ही हर इसमें हरित लवक होता है इसलिए अपना भोजन ये स्वयं बनाता है उसी प्रकार से वॉलॉक्स आपको दिखाया गया है यहाँ पर देखो दोनों चित्र दिखाए गए हैं ये दोनों ही कैसे होते हैं आपको स्वयं पोषी होते हैं क्योंकि इसमें हरित लवक होता है बाकी यहाँ जो अमीबा हो गया पैरामीशियम हो गया प्लास्मोडियम हो गया इनमें क्या होता है हरित लवक नहीं उपस्थित होता इसलिए अपना ये भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं दूसरों से क्या करते हैं भोजन ग्रहण करते हैं तो आप इसको चित्र भी इसके उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए चित्र आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें हैं आगे हम पढ़ेंगे जगत कवक के बारे में तो यहाँ भी एक कृति दिया गया है इस कृति में आपको क्या करना है कि जो ब्रेड होता है या आपकी जो रोटी होती है उस रोटी को क्या आप ब्रेड को क्या करना है आपको कुछ दिन के लिए डब्बे में बंद करते रहना है कम से कम दो चार दिन दो चार दिन ऐसे बंद डब्बे में बंद रहने दीजिए जब डब्बे में बंद रहने रहने के बाद जब उसे आप निकालेंगे तो आपने देखा होगा अक्सर ताज़ा ब्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत काफ़ी पुराना हो जाए उस ब्रेड को क्या करना है आपको डब्बे में बंद कर देना है और बंद कितने दिन तक रखना है कम से कम तीन चार दिन और इसके बाद आपको क्या करना है उस डब्बे में से आप जब ब्रेड को निकालोगे या रोटी को निकालोगे तो आपको उसके ऊपर से जाल टाइप दिखाई देता है जाल टाइप पैसे दिखाई देता है तो वो क्या होती है वही आपको क्या होता है कवक होता है उसको फंगई बोला जाता है और अगर ये बढ़ता रहे बढ़ता रहे तो आपको इस प्रकार से जो चित्र दिखाया गया है तो इसकी रचना इस प्रकार से हो सकती है ये मतलब काफी जब बड़ा हो जाता है तो इस प्रकार से उसके क्या होते हैं आपको पूरा बड़ा बड़ा जाल दिखाई देता है अगर आप इसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई देंगे तो ये आपको तंतुनुमा दिखाई देगा मतलब जैसे लगेगा कि जैसे जड़े निकली हुई हैं इस प्रकार से आपको इसकी रचना दिखाई देती है तो इस पहली विशेषता देखिए क्या दिया गया है कि कव जगत में परपोषी असंश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजी का समावेश होता है यानी कि इस जगत में जो कवक जगत जगत होता है इसमें सभी सभी क्या होते हैं परपोषी होते हैं क्योंकि आपको बताया गया ये क्या होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वनस्पतियाँ क्योंकि उसमें हरित लवक होता है बाकी सब कैसे होते हैं परपोषी होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते उन्हें क्या कहा जाता है, है। तो परपोषी असंश्लेषी असंश्लेषी मतलब ये अपना लिए भोजन निर्माण नहीं कर सकती है इसलिए उन्हें बोला गया असंश्लेषी और दृश्य केंद्र की होती है। यानी कि जिसमें आपको बताया केंद्र का अगर उपस्थित है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो वो क्या कहलाता है दृश्य केंद्र की कहलाता है तो इसमें क्या होता है केंद्रक के स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसके अंग भी स्पष्ट कोशिका के अंग भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दृश्य केंद्र की तो यानी कि ये क्या हो गया परपोषी हो गया असंश्लेषी हो गया और दृश्य केंद्र की कोशिका वाला हो गया बहुसंख्य कवक मृत्युपजीवी होते हैं क्योंकि परजीवी मतलब परजीवी पर मतलब क्या मतलब होता है मृत शरीर पे क्या करते हैं अपना जीवन यापन करते हैं जैसे आप अगर आपको देखे होंगे सड़े गले पर लकड़ी जैसे सड़ जाती है बारिश के मौसम देखोगा तो आप लकड़ी सड़ जाती है तो सड़े गले पर आप देखोगे ऐसे कुकुर मुत्ता निकला हुआ दिखाई देता है तो ये क्या करते हैं ज़्यादातर मरी हुई चीज़ों पे जो सड़ जाता है ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं यानी कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं इसलिए इन्हें मृत्यु जीवी के नाम से भी जाना जाता है कौको की कोशिका वित्तीय काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है यानी कि आप इनके ऊपर देखोगे कि ये जो इसके ऊपर का आवरण है ये जो आवरण है इसका आवरण जो होता है वो किससे बना होता है काइटिन से बना होता है कोशिश कहती है नामक जटिल सरकरा से क्या होती है बनी होती है इस वक़्त तंतुमय होती है और इसके जिनके कोशिका द्रव में अनगिनत केंद्रक होते हैं यानी कि ये कैसे होते हैं तंतुमय है इनके रचना कैसे होती है तंतु के जैसे होती है पतली पतले ऐसे आपको रोई जैसे बाल जैसे रचना होती है तंतु जैसी होती है जैसे जड़ें आपको पतली पतली होती हैं वैसे और इनकी कोशिका द्रव्य में अगर देखेंगे तो अनगिनत केंद्रक होते हैं जैसे हर एक कोशिका में क्या होता है एक ही केंद्रक होता है लेकिन इसमें क्या होते हैं बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं अब उदाहरण दिया गया है कवक जैसे आपको मैंने बताया ब्रेड का उदाहरण आप ले ले उसमें जो किरण होता है जिसको बोला जाता है बेकर्स ईस्ट जिसे मिला करके क्या किया था पाव या ब्रेड बनाया जाता है ये फफूदी स्पर्जील्स भुट्टे में अगर आप देखेंगे जो भुट्टा होता है आप बारिश के मौसम में भी आप जो भुट्टा आया है इसे कई दिनों तक तो इसे पड़े रहने दीजिए तो उसमें भी आपको देखोगे इस प्रकार का क्या होता है उसमें स्पर्जीलस नामक कवक दिखाई देगा पेनीसिलियम कुकुर मुत्ता आपने देखा ही मैंने जैसे बताया कि सड़े गले पदार्थ आप हमेशा लकड़ी कुड़ी पर देखते हैं बारिश के मौसम में तो उस पर कुकुरत्ता ऐसा छोटा सा छाता जैसा नुमा उसका रचना आपको दिखाई देती है तो ये हो गया कवक के उदाहरण तो विहाटकर की जो वर्गीकरण की पद्धति थी ये आज भी क्या होती है इसी को आधार माना जाता है प्रमाण मानते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण तो हमारे पांच जगत थे लेकिन हम लोग इस पाठ में तीन ही पढ़ेंगे आगे के जो वनस्पति बच गया और प्राणी जो बच गया उसके बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूक्ष्म जीव मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते उनका आकार बहुत ही बहुत ही सूक्ष्म होता है उन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते हैं तो ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इनका आकार क्या होता है माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में होता है यानी कि इतने छोटे होते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इन्हें देख नहीं सकते और यहाँ पर आपको देखो बताया गया है कि एक मीटर बराबर होता है दस घाते छः माइक्रोमीटर यानी कि अगर हम लोग एक माइक्रोमीटर की बात करें तो दस घाते माइनस छः मीटर के बराबर होता है यानी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो वन मीटर के क्या होता है बराबर होता है यानी कि बहुत ही छोटा एक सेंटीमीटर का भी आपको कई गुना छोटा और एक नैनोमीटर तो उससे भी छोटा हो जाता है एक नैनोमीटर बराबर होता है दस घाते माइनस नौ मीटर और अगर ऐसे बात की जाए एक मीटर बराबर दस घाते नौ नैनोमीटर तो ये भी आपको कभी कभी खा, खाली जगह में क्या पूछ पूछा जाता है अब देखिए सूक्ष्म जीवों को कैसे वर्गीकृत किया गया इसमें भी आपको दो प्रकार के होते हैं आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की यानी कि सूक्ष्म जीवों में भी क्या होता है किसी किसी में केंद्र या उसके अंग केंद्र क्या कोशिका के जो अंग होते दिखाई देते हैं और किसी किसी में बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं तो जिसमें नहीं दिखाई देते तो आदि केंद्र की हो गया और जिसमें दिखाई देते वो क्या हो गया दृश्य केंद्र की हो गया तो आदि केंद्र की में कौन आता है आपने ही है जीवाणु आते हैं जैसे जगत मोनेरा और जगत मोनेरा में कौन आता है जीवाणु आते हैं और दृश्य केंद्र की में कौन आते हैं आदिजीवी कवक और सहवाल यानी कि जो आपने प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा पढ़ा तो वो जगत के कवक और सहवाल ये सब क्या होते हैं दृश्य केंद्र की में आते हैं ये क्या होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं तो ये इन आँखों से इन्हें देख पाना संभव नहीं होता इसलिए आपको इन्हें क्या कहा जाता है सूक्ष्म जीव कहा जाता है आगे हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवाणु के बारे में तो इसका आकार आपको बताया गया है कि जीवाणु का जो आकार होता है एक माइक्रोमीटर से दस माइक्रोमीटर के बराबर होता है यानी कि एक माइक्रोमीटर मतलब अगर बोले तो जीरो पॉइंट जीरो 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 पाँच पाँच जीरो और फिर एक यानी कि इतने मीटर क्या हो इतना सूक्ष्म होता है इससे लेकर दस माइक्रोमीटर इसका आकार इतने के बीच में ही रहता है यानी कि बहुत ही छोटा होता है इसे हम लोग अपनी आँखों से देख नहीं सकते इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा एक कोशिका एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव के रूप में जीवन यापन करती है जैसे आपको बताया गया इसके कोशिका कैसे होती है एक ही कोशिका से बनी होती है और यही अपना क्या करती है स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करती है कभी कभी क्या होते हैं बहुत सारे एक समूह में मिलकर के बस्तियाँ बना लेते हैं जैसे मानव बस्ती हो गई क्या करते हैं अपने आसपास कई घर बन जाते हैं तो मानव बस्ती बस गई तो वैसे तो 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 ही क्या कहते हैं स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं कभी कभी क्या होता है कुछ जीवाणु एक ही जगह जमा होकर के अपनी बस्ती बना लेते हैं दूसरा विशेषता दिया गया जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है या आपने ऊपर ही पढ़ा कि जीवाणु कैसे होते हैं आदि केंद्र की होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है केंद्र या उसके अन्य अंग आवरणयुक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं लेकिन कोशिका वित्ती होती है आगे पढ़ेंगे प्रजनन समान्यता दिव्य विभाजन पद्धति से होता है यानी कि ये संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं उसको अपने ही शरीर को क्या करते हैं दो भागों में विभाजित कर देते हैं तो यानी कि द्विविभाजन पद्धति जिसे बोला जाता है और ये द्वि विभाजन पद्धति से क्या करते हैं अपना प्रजनन प्रक्रिया करते हैं अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं यानी कि अगर उनके लिए जो परिस्थिति है अगर वो अनुकूल है तो बीस मिनट में क्या कर सकते हैं अपनी संख्या गुनी कर सकते हैं यानी बीस है तो चालीस हो सकती है कितने समय में मिनट के अंदर ही अपनी संख्या में क्या कर सकते हैं इतनी बढ़ोतरी कर सकते हैं दो गुना जितनी संख्या उसका दो गुना कर सकते हैं अगर परिस्थिति अनुकूल है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आदिजीवी के बारे में तो पहला आदिजीवी का जो आकार है ये आपको बताया गया लगभग दो सौ माइक्रोमीटर यानी कि ये जीवाणु से क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन इसका भी आकार क्या होता है 200 माइक्रोमीटर के अंदर ही रहता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है मीठे पानी हो गया या मिट्टी हो गई या समुद्र हो गया तो ये क्या होता है खारा पानी में भी रह सकता है मिट्टी में भी रह सकता है और मीठे पानी में भी रह सकते हैं यहाँ यानी कि तीनों जगहों पर पाए जाते हैं और कुछ अन्य सजीव दूसरे के सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित रह करके क्या करते हैं रोग फैलाने का भी कार्य करते हैं यानी कि आदिजीवी क्या होते हैं खतरनाक होते हैं दृश्य केंद्र की कोशिका वाला एक कोशिकी सजीव है यानी कि इसमें भी केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इसलिए दृश्य केंद्र की आते हैं और लेकिन इनकी भी कोशिका क्या होती है एक ही कोशिका इनका भी शरीर सर, क्या होता है एक ही कोशिका से बना होता है इसलिए इन्हें एक कोशी सजीव कहा जाता है तीसरा पॉइंट आदिजीवी की जो कोशिका रच रचना है संचलन के अंग है पोषण विधि पद्धति है इनमें क्या होती है पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है इनकी जो रचना है बनावट है या इनके जो चल संचलन करने के संचलन जिससे करते हैं या इनके जो भोजन ग्रहण करने की जो पद्धति होती है इनमें क्या होती है पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है ये प्रजनन ये भी प्रजनन क्या होता है द्विविभाजन पद्धति से द्विविभाजन मतलब क्या होता है ये कि आलैंगिक प्रजनन है और इसमें क्या होता है एक शरीर से दो शरीर तैयार हो जाता है इसलिए इसको बोला जाता है द्विविभाजन पद्धति अब उदाहरण आपको दिया गया अमीबा पैरामिशियम तो अमीबा और दो, दोनों क्या होते हैं मटमैले पानी में या मटमैले पानी में स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं यानी मट गंदे पानी में उपस्थित होते हैं और ये अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं इसके बाद जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या होता है खतरनाक होता है ये मानव शरीर के अतड़ी के अंदर उपस्थित होकर के वहाँ पे घाव बना देता है जिसको बोलते हैं आ होने का कारण होता है इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये भी क्या है खतरनाक है इसकी वजह से मलेरिया रोग फैलता है मलेरिया होने का कारण है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कवक के बारे में तो कवक का जो आकार है वो आपको बताया गया है दस माइक्रोमीटर से लेकर सौ माइक्रोमीटर यानी कि ये क्या है जीवी से भी छोटा होता है लेकिन जीवाणु से क्या होता है बड़ा होता है जैसे बताया गया कवक क्या होता है सड़े गले पदार्थों पे अपना जीवन यापन करते हैं यानी कि वहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं तो सड़े गले पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थों के ये पाए जाते हैं दृश्य केंद्र की एक कोष के सजीव एक कोष के सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियाँ आँखों से दिखाई देती यानी कि आकार में थोड़े से बड़े होते हैं तो इन्हें क्या कह सकता है आँखों से देखा भी जा सकता है जब इनके आकार क्या होते हैं थोड़े बड़े होते हैं तो जिसे अभी आपको ये चित्र में देख सकते हैं तीसरा है जीव होते हैं और कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण करते हैं ये तो आपको बताया गया ये मृत शरीर पे क्या होता है अपना जीवन यापन करते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है मृत्युपजीवी कहा जाता है चौदह सॉरी चौथा प्रजनन लैंगिक पद्धति से लैंगिक प्रदे, लैंगिक पद्धति से और द्वि विभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से भी होता है यानी कि ये दोनों प्रकार के प्रजनन कर सकते हैं लैंगिक पद्धति से भी कर सकते हैं और अलैंगिक प्रद्धि यानी ज़्यादा विकसित रहेंगे तो लैंगिक प्रजनन से करते हैं पद्धति से करते हैं और नहीं तो अलैंगिक प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन के कई प्रकार होते हैं उसमें एक होता है द्विविभाजन एक होता है मुकुलन यानी कि उसमें क्या होता है ऐसा उभार टाइप पैदा हो जाता है और वहाँ से एक नए सजीव की निर्मित होती है तो ये द्विवि विभाजन और मुकुलन जैसे अलैंगिक पद्धति से क्या करते हैं प्रजनन करते हैं अब उदाहरण दिया गया है इष्ट इष्ट आपने देखा होगा जैसे मैंने बताया ब्रेड पे जो आपको फफूदी टाइप तैयार हो जाता है या ब्रेड जिससे तैयार होता है वो इष्ट से तैयार होता है कांडीडा आप देख रहे हैं सकते हैं जी पे अभी कभी कभी आपको क्या होता है वाइट वाइट दिखाई देता है काफ़ी वाइट वाइट तो कंडीडा होता है मशरूम मशरूम भी आपने देखा है उसको बताने की जरूरत नहीं है तो ये हो गया कवक के बारे में आप इसके चित्र देख सकते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे शैवाल के बारे में तो सहवाल का जो आकार है ये बताया गया दस माइक्रोमीटर से सौ माइक्रोमीटर ये भी आपको लगभग क्या है कवक के आकार के क्या होता है बराबर होता है ये पानी में बढ़ते हैं सहवाल आप देखेंगे हरा रंग का जहाँ आपको काई काई सब जगह दिखाई देता है तो ये सब क्या है आपको सहवाल है दृश्य केंद्र की एक कोश की स्वयं पोषी सजी स्वयं पोषी कहाँ के दिखे? क्योंकि ये क्या करते हैं इनमें हरित लवक उपस्थित है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कोशिका में स्थित हरित लोगों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी भोजन अपना स्वयं बनाते हैं युगलिना क्लोरेला क्लमिडो क्लमिडोमोनास ये आपको क्या है उदाहरण है किसके स्वयं पोषी के क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है हरित लवक होता है इसलिए अपना बो ये अपना भोजन, भोजन स्वयं तैयार करते हैं सहवाल की कुछ ऐसी भी प्रजातियाँ होती जो क्या होती हैं बहु कोसी होती जिसे इन आँखों से देख सकते हैं हम लोग इसलिए इनमें क्या होता है बहु भी कुछ सहवाग आते हैं और लास्ट हमारा है विषाणु तो विषाणु के बारे में दिया है विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता यानी विषाणु कैसे हैं ये अगर सजीव में है तो सजीव बन जाते हैं अगर निर्जीव पे है तो निर्जीव जैसे भी आजकल देख रहे हो कोरोना वायरस कोरोना वायरस का ये विषाणु जो है ये विषाणु कोविड नाइनटीन विषाणु तो ये विषाणु जो है क्या है अगर ये सजीव में गया तो क्या हो जाता है सजीव के जैसा काम करने लगता है विषाणु की एक खासियत है वरना ये क्या होता है अगर आपको निर्जीव में है तो निर्जीव बना रहता है तो ये इसकी खासियत है इसकी वजह विषाणु अत्यंत अति सूक्ष्म यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे छोटे यही होते हैं ये दस नैनोमीटर से लेकर के क्या होते हैं सौ नैनोमीटर के बीच में होते हैं यानी कि इनका आकार देखा जाए तो ये सबसे छोटे होते तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं इसलिए इनका अध्ययन कर पाना और संभव कम होता है यानी कि बहुत ही इन्हें देखने के लिए अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी सामान्यता तो सूक्ष्मदर्शी से हम लोग नहीं देख सकते इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी तो इनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है यानी कि सबसे छोटे यही होते हैं विषाणु अत्यंत अति सूक्ष्म और जीवाणु की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं इसलिए इन्हें केवल सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकते हैं स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं विषाणु अर्थात डीएनए या आरएनए से बना हुआ लंबा अणु जिस पर प्रथिन का आवरण होता है यानी कि ये किससे बना होता है डीएनए से बना होता है या तो आरएनए से बना होता है डीएनए यानी कि डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिकम या आर एन ए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल इन्हीं से क्या होता है ये बना इसका ऊपर का आवरण बना होता है प्रथिन का बना होता है वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में वे रह सकते हैं और कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं यानी कि अगर ये सजीवों चल तो में चले गए तो अपने आप इनमें क्या होती है प्रथिन बनाने की क्षमता आ जाती है और वो प्रथिन बना करके क्या कर सकते हैं अपनी संख्या में काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं और जो वो अपनी संख्या में काफ़ी वृद्धि कर लेते हैं तो वहाँ पर रह कर के उनके शरीर के भाग को क्या करने लगते हैं क्षति पहुँचाने लगते हैं जिसके कारण से क्या होता है रोग हो जाता है और विषाणु के कारण वनस्पति और प्राणियों को क्या होते हैं विभिन्न रोग होते हैं तो विषाणु क्या होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं तो इस तरह से हमारा ये पाठ क्या हुआ पहला खत्म हुआ तो इसमें जो भी डाउट रहेगा अगर किसी को तो वो क्या कर सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है आपको मैं जानते हैं मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर देंगे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा आगे आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए धन्यवाद